Hello beauties, welcome or welcome back to my channel. So this is me Apurva and you're watching Glamaholic Official. So आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ अ मेकअप ब्रश सेट फ्रॉम अर्बन डिके. दे आर वेरी अफोर्डेबल एंड देर वेरी यूजफुल. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट द क्वालिटी एंड यूज ऑफ दीज ब्रशेज, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. ये ब्रशेज आपको कंटेनर में मिलेंगे एंड एज यू विल ओपन द कंटेनर आपको जो ब्रशेज हैं वो प्लास्टिक में रैप मिलेंगे. दीज आर 12 ब्रश सेट एंड ये सारे ब्रश सेट हैं वो डिफरेंट यूज़ के लिए हैं. सम फॉर फाउंडेशन, कुछ आपके आई शेडो के लिए, कुछ आपके हाईलाइटिंग के लिए, कुछ लिपस्टिक के लिए. अगर आप मेकअप सीख रहे हो या फिर आप बिगनर हो तो आपको ये ब्रश सेट खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया है क्वालिटी के अकॉर्डिंग. दे आर वेरी सॉफ्ट एंड आई मस्ट से ईजी टू यूज़. और प्लस पॉइंट ये है कि आपको सारे ब्रशेज डिफरेंट डिफरेंट खरीदने नहीं पड़ेंगे. आपको हाइलाइटिंग के लिए, बेकिंग के लिए, आई शेडो के लिए सारे ब्रशेज एक ही सेट में मिल जाएंगे. सो सबसे पहले है हमारे पास ये बिग फ्लफी ब्रश. ये काफ़ी सॉफ्ट है, मस्त से कि आपके फाउंडेशन को ईजिली ब्लेंड कर देगा. सो इस ब्रश को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फाउंडेशन को बेक करने के लिए, हमारे कंसीलर को पुट करने के लिए. साथ ही साथ हम इसे अपने कंसीलर के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर कंट्यूरिंग. सेकेंड वी हैव दिस स्मॉल फ्लफी ब्रश. कंपैरेटिवली उस ब्रश से ये छोटा है. क्वालिटी आपको सेम मिलेगी, ये भी बहुत सॉफ्ट है एंड ये आपके बेस को या फिर आपके फाउंडेशन को या फिर आपके कॉन्चरिंग को ईजिली ब्लेंड कर देगा. आप इसका यूज़ अपने हाइलाइटिंग के लिए और अपने ब्लश को अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं. अब हमारे पास है फ्लैट ब्रश. इसे हम फ्लैट फाउंडेशन ब्रश भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ये फ्लैट ब्रशेस बस फाउंडेशन को लगाने में यूज़ होते हैं. ये ब्रश आपके फाउंडेशन को आपकी स्किन पे इजीली पुट कर देगा विदाउट एनी क्रीज. Have this slant liner brush. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये slant है and it's a liner brush. आप इसे अपने eyeliner, I mean gel liner के लिए use कर सकते हैं. साथ ही साथ अपने eye shadow में crease create करने के लिए कर सकते हैं. And when you are creating a wing, आप eye shadow से wing create करने के लिए भी use कर सकते हैं इसे. So next we have the cut crease brush. एंड ये ब्रश यूज़फुल है कंसीलर अप्लाई करने के लिए. साथ ही साथ व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ कट क्रीज, आपको अगर कट क्रीज क्रिएट करना है या फिर डबल कट क्रीज क्रिएट करना है सो इट्स बेस्ट फॉर इट. हमें सेट में चार आई शेडो ब्रश मिलता है एंड सभी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं. सो फर्स्ट वी हैव द बिग ब्लेंडिंग आई शेडो ब्रश एंड ये आपका क्रीज पे आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेट ब्रश जो कि कट क्रीज के बाद आपकी क्रीज लाइन को ब्लेंड करने के लिए यूज होता है.
नेक्स्ट वी हैव द क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश, या फिर आप इसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश भी बोल सकते हैं। ये हमारे आईलिड पे आईशैडो को पुट करने के लिए यूज होता है। लास्टली वी हैव द स्मजिंग ब्रश। एज नाम से ही हमें पता चलता है कि ये स्मज करने के लिए यूज़ होता है हमारे आईशैडो को। साथ ही साथ अगर आप ग्लिटर यूज़ करना चाहते हैं अपने आईशैडो में तो आप स्मजिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो वी ऑल्सो हैव द आईब्रो ब्रश जो कि हमारे आईब्रोज़ को सेट करने के लिए यूज़ होता है। एंड लास्टली वी हैव द ब्लेंडिंग ब्रश जिसका यूज़ हमारे आईशैडोज़ को ब्लेंड करने के लिए है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।